देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जब संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र खतरा में स्वाभाविक। घोषित आपातकाल के खिलाफ हम रणनीति बना कर देखे और देश में जो संविधान को खतरा पहुंचाना ऐसे लोगों को सत्ताच्युत भी करेंगे। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। अघोषित आपातकाल विरोध संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आज मौन होकर विरोध मार्च किया गया है। श्याम रजक पूर्व मंत्री राजद कोटे से, उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरीके से देश में लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है। अंबानी अडानी मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया है। मुंह पे काली पट्टी बांधकर इनकम टैक्स जेपी गोलंबर से होते हुए विधानसभा के ठीक सामने सप्तमूर्ति तक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि जिस तरीके से देश में लोगों को बोलने से रोका जा रहा है, अगर कोई कुछ बोलता है तो उसे हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती है, जेल के अंदर बंद किया जा रहा है। सबसे पहले देखिए इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं राजद कोटे से पूर्व मंत्री श्याम रजक। संघर्ष मोर्चा है, इस राज्य की आवाम लोगों ने इसे बनाया क्योंकि जो घोषित आपातकाल का हम लोगों ने विरोध किया था, राज अघोषित आपातकाल है, देश का संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जब संविधान खतरे में है तो लोकतंत्र खतरा में स्वाभाविक। तो हम लोग आज शपथ ले रहे हैं, जेपी से चौक से चले हैं और शहीद चौक तक आए हैं और हम इन अपने महापुरुषों को कहे कि आप तो चले गए लेकिन हम सब आपकी उस कुर्बानी को बेजा नहीं जाने देंगे और अघोषित आपातकाल के खिलाफ हम रणनीति बना कर देखे और देश में जो संविधान को खतरा पहुंचाना ऐसे लोगों को सत्ताच्युत भी करेंगे और देश से बाहर भी करेंगे। आगे क्या कुछ करना है? आगे हमारा कार्यक्रम तय होगा, वो घोषित हम लोग बैठेंगे फिर करेंगे। तो आपने देखा श्याम रजक ने साफ कहा कि किस तरीके से केंद्र सरकार लोगों को बोलने से रोक रही है और मुंह पे काली पट्टी बांधकर हाथों में जंजीर लगाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सप्तमूर्ति विधानसभा के ठीक सामने पहुंचकर वहां पे जितने भी लोग थे, राजद के कार्यकर्ता थे, सभी ने जोरदार नारेबाजी की है, केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और लोकतंत्र को इस तरीके से डूबने नहीं दिया जाएगा। केंद्र सरकार को जिस तरीके से 8 साल 9 साल से केंद्र में बैठे हुए मोदी सरकार, जनता ने वहां पहुंचाया है और जनता ही उन्हें 2024 में उखाड़ फेंकेगी। जितने भी लोग थे सभी लोग काफी ज्यादा आक्रोशित थे, मुंह पे काली पट्टी बांधे हुए थे और साफ कहना है कि केंद्र सरकार का जो बर्बरता है वह आम लोगों पे काफी ज्यादा हावी हो चुका है। लोग अब इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश में किसी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, किसी को अपनी जो अभिव्यक्ति की आजादी होती है उसे प्रकट नहीं करने दिया जा रहा है। काफी ज्यादा गुस्से में थे श्याम रजक और साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी। आप देख सकते थे विजुअल के माध्यम से किस तरीके से तमाम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस तरह की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।